वेलकम स्टूडेंट्स, विनय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही कोई चैप्टर डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि क्या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स टेंथ के बाद और प्लस टू लेवल से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में आपको ये बताएं कि प्लस टू लेवल पे आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ये जैसा आप देख रहे हैं, हमने पहले से लिख के रखा हुआ है कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं प्लस टू लेवल पे, उसमें एज लिमिट क्या होती है, सैलरी कितनी होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी जो एग्जाम्स होती है, ये तो पहली बात प्लस टू लेवल पे होती है। जो स्टूडेंट प्लस टू पास कर चुके हैं उसके बाद वो स्टेनोग्राफर के एग्जाम दे सकते हैं। 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट मांगा जाता है और इसका जो सैलरी है वो आपका स्टार्टिंग सैलरी है 9,300 से 34,800 और इसमें ग्रेड पे है 4,200 यानी कि 4,200। सेकंड आप देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला जो है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ये है ग्रेड डी। एज लिमिट सेम है 18 से 27 साल, लेकिन सैलरी इसमें अलग है। सैलरी इसका थोड़ा कम होगा जो कि स्टार्टिंग है 5,200 से 20,200 और इसमें जो आपका जीपी है ग्रेड पे जो है वो है 2,400। मतलब ये जो पहला वाला ग्रेड सी था उसमें है 4,200 और ग्रेड डी जो है वो है 2,400। नेक्स्ट देखते हैं एसएससी इन सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, जिसमें कि एलडीसी आपके हो गया। एलडीसी का मतलब हो जाता है लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें भी एज लिमिट मांगा जाता है 18 से 27 साल और इसका सैलरी है 5,200 से 20,200 और इसमें भी जीपी जो है वो 2,400 का ही दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें एज लिमिट सेम है 27 साल, एज 18 से 27 साल एज लिमिट मांगा जाता है और इसका सैलरी भी सेम 5,200 से 20,200 और ग्रेड पे जो है वो भी 2,400 का ही दिया जा रहा है। पोस्टल एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट, तो ये जो फिफ्थ नंबर पे है पोस्टल एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट, ये इसमें भी 18 से 27 साल का एज मांगा जा रहा है और इसका जो सैलरी है वो भी है 5,200 से 20,200, ग्रेड पे जो होगा वो 2,400 का होगा। और सिक्स्थ नंबर पे 6, 7, 8, 9, ये चार जो यहाँ हमने लिख रखा है तो ये रेलवे डिपार्टमेंट के हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला आपका हो गया असिस्टेंट लोको पायलट, जिसकी फॉर्म अभी आई हुई थी कुछ दिन पहले तक, और साथ ही साथ रेलवे क्लर्क एंड कांस्टेबल, टिकट कलेक्टर, इसकी फॉर्म आने वाली है, जो टिकट कलेक्टर टीसीटीटी का फॉर्म अभी आने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप वेट कीजिए, जैसे ये फॉर्म आएगा तो इसे भर दीजिए, काफी अच्छा जॉब है और बहुत टाइम से इसके लिए स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। 9 नंबर पे हेल्पर, तो स्टूडेंट्स नंबर 6 to 9 ये जो चार वैकेंसीज है ये रेलवे कंडक्ट करवाती है, जिसमें कि असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे क्लर्क एंड कांस्टेबल, टिकट कलेक्टर एंड हेल्पर। तो ये एग्जाम्स जो है वो रेलवे कंडक्ट करवाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स प्लस टू लेवल पे आप इंडियन आर्मी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इंडियन नेवी के लिए आप जा सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉरेस्ट गार्ड जो 12th नंबर पे हमने फॉरेस्ट गार्ड लिख रखा है, तो इसे इसमें ऐसा है कि अगर इसमें आपकी नियुक्ति होती है तो आपको फॉरेस्ट आपको जंगल का विभाग मिलेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या होती है कि आपको खुद का ही स्टेट मिल जाता है। अगर आप झारखंड फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम ले रहे हैं तो आपको झारखंड का ही कोई डिपार्टमेंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इन सारे जो भी एग्जाम्स होते हैं ऑलमोस्ट 18 से 27 साल का उसमें एज मांगा जाता है, ग्रेड पे भी इतना ही होता है, लेकिन कंफर्मली हम लोग जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं स्टूडेंट्स की समय के साथ साथ
नोटिफिकेशन में चेंजेस आ रहे हैं, कभी एज को लेकर या कभी आपके सब्जेक्ट को लेकर, तो ये कन्फर्मली जब एक रिजल्ट सॉरी कन्फर्म जब आपका डिटेल आएगा तो ही हम लोग बता सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि प्लस टू लेवल पे आप सिर्फ क्लरिकल ग्रेड में ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। टॉप थ्री एग्जाम्स भी है जिसमें कि आप सीधे ऑफिसर ग्रेड में जा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से एग्जाम है वो। ओके तो आप यहाँ हमने पहले से लिख रखा है, तो जो टॉप थ्री एग्जाम्स होती है उसमें सबसे पहला आपका आ जाता है टेक्निकल एंट्री। टेक्निकल एंट्री में क्या होता है कि इसमें आप सीधे क्लास वन ऑफिसर, जो क्लास वन ऑफिसर है उसके लिए आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू होगी, आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, लेकिन उसके लिए कोई कोई डिमांड है, कोई कोई क्राइटेरिया है जो आपको पूरा करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। ये स्पेशली आपके आर्मी नेवी इन दोनों डिपार्टमेंट में आपको क्लास वन ऑफिसर का आपको पोस्ट मिलेगा, लेकिन शर्त है कि प्लस टू जब जो आप आपका इंटर का एग्जाम दिए हैं, जो आपका इंटर होगा वो आप मैथ साइंस से किए हो और उसमें आपका 80% मार्क्स हो। अगर आप 80% मार्क्स लाते हैं मैथ साइंस में तो फिर आपको और कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इंटरव्यू जा सकते हैं जिसमें कि आपको क्लास वन ऑफिसर का पोस्ट मिलेगा, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है। टेक्निकल एंट्री की जो एग्जाम जो होती है वैकेंसी, वो 22 साल के स्टूडेंट्स मतलब कि 22 इयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वही दे सकते हैं, 22 से एक्सीड नहीं करना है। अगर 22 आपका हो चुका है फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, 22 तक है, 23 से अब आप एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए एनडीए, तो ये डिफेंस सर्विस हो जाता है, इसमें भी आप क्लास वन ऑफिसर के लिए जा सकते हैं जिसमें कि एयरफोर्स आर्मी चीफ नेवी चीफ का इसमें पोस्ट होता है और आप पायलट तक बन सकते हैं एयरफोर्स आर्मी में। और अगर एनडीए का हम लोग जो सैलरी है वो डिस्कस करें तो मिनिमम 75,000 टू 80,000 तो आपको मिलना ही मिलना है। ओके नेक्स्ट एससीआरए जो है ये रेलवे में होता है, इसमें प्लस टू के स्टूडेंट्स जा सकते हैं, इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो प्लस टू में साइंस लिए होंगे स्टूडेंट्स ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है कि एक एंट्रेंस एग्जाम आपको पास करना है। अगर आप उस एंट्रेंस में पास हो जाते हैं तो रेलवे ही आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स करवाएगा, तो ये जो है ये रेलवे अपने तरफ से करवा रही है, बट शर्त है कि आपको उनका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसे क्वालिफाई करना कंपल्सरी है और ये 4 इयर्स का होगा, 4 इयर्स का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसके बाद डायरेक्ट आपको रेलवे में जॉब मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और अगर पसंद ना भी आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे भी बता सकते हैं, और आपको क्या क्या सुधार चाहिए वो भी आप हमें बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक यू।